हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इस वीडियो में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जो टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक के ही कंटिन्यूशन में है, वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो भी बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उस ओनर के पूरे साल के लिए उसके ओन रेजिडेंस में यूज होती है या फिर वो अनऑक्यूपाइड हाउस है। ये वाला टॉपिक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो रिमेनिंग जो दोनों पॉइंट्स हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मीन्स की प्रीवियस ईयर में कुछ टाइम के लिए ओनर उसको रेजिडेंस के लिए यूज करता है एंड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट होता है वो हाउस। और जो सेकेंड पॉइंट है कि मोर देन वन हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, ये दोनों पॉइंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला पॉइंट हम आज डिस्कस करते हैं कि हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मीन्स कि साल में कुछ टाइम के लिए वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, कुछ टाइम के लिए वो लेट आउट कर दिया जाता है। इसकी कैलकुलेशन हम सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है और कैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आइए अब इसको डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, इफ द हाउस और द पार्ट ऑफ द हाउस, मीन्स की हाउस का कोई भी पार्ट अगर यदि एक्चुअली लेट आउट किया जाता है ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मीन्स की प्रीवियस ईयर के कुछ पार्ट के लिए अगर यदि वो लेट आउट कर दिया जाता है या फिर एनी बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम सच हाउस बाय द ओनर, ओनर के द्वारा उस प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट लिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 क्लोज ए के जो बेनिफिट्स हैं वो उसको अवेलेबल नहीं होंगे। ये बेनिफिट्स कौन से हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि जैसे एक हाउस उस ओनर के पूरे साल के लिए खुद के रेजिडेंशियल यूज में आता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ग्रोस एनुअल वैल्यू नील कंसीडर करते थे, तो वो वाला बेनिफिट इस कंडीशन में उस ओनर को नहीं मिलेगा। इस कैलकुलेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी डिटरमाइंड एज अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। तो ये 23 सबसेक्शन 1 क्या है कि जब आप किसी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो उसके जो प्रोविजन है वो 23 सबसेक्शन 1 में वो कंसिडर होते हैं। तो जो लेट आउट वाले प्रोविजन है वो यहां पर इंप्लीमेंट होंगे। तो इसको हम एक बार देखते हैं। ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड रेंट है शैल बी टेकन फॉर द फुल ईयर, मतलब पूरे साल का हम एक्सपेक्टेड रेंट लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो लेट आउट पीरियड का ही लिया जाएगा। जो जितने पीरियड के लिए वो मकान लेट आउट किया है या पार्ट ऑफ द हाउस लेट आउट किया है उस टाइम के लिए हम एक्चुअल रेंट लेंगे, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन हम करेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू की वो उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले की थी कि विच एवर इज हायर, हायर किस में से, जो एक्सपेक्टेड रेंट है और जो एक्चुअल रेंट है, जो एक्सपेक्टेड रेंट और जो एक्चुअल रेंट में जो हायर होगा वो उस मकान के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू कहलाएगा। अब एक इलस्ट्रेशन से इस पूरे पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। देखिए, मिस्टर ए है, एक हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है, जो म्यूनिसिपल वैल्यू है उस हाउस की 4 लाख रुपीज है और जो फेयर रेंट है 4,40,000 रुपीज है। स्टैंडर्ड रेंट उस हाउस प्रॉपर्टी का 3,20,000 रुपीज है। इट वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2017 टू 31 जुलाई 2017 एंड 1 अगस्त 2017 से इस हाउस को लेट आउट कर दिया गया, कितना 20,000 रुपीज पर मंथ के अकॉर्डिंगली। और हमने उसकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिर्फ हाउस की। अगर यदि म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो टोटल म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है वो है 40,000, जिसमें से ओनर ने उसमें से 50% पेमेंट की है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग यहीं पर कैलकुलेशंस करते हैं। तो म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख रुपीज़ है और जो फेयर रेंट है वो 4,40,000 रुपीज़ है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसमें से हायर ले लेते हैं, तो हायर आएगा 4,40,000 एंड इसका हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से जो 3,20,000 है। इससे अगर यदि हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में जो लोअर होता है
तो 3,20,000 जो हो जाएगा वो एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा इस कंडीशन में। अगस्त से लेकर और 31 मार्च तक उसने लेट आउट कर दिया। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं कि कितने मंथ के लिए वो लेट आउट हुआ है। अगस्त से लेकर अगर यदि आप 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 मंथ आते हैं, और 9 मंथ के अकॉर्डिंगली 20,000 पर मंथ के हिसाब से जो एक्चुअल रेंट बनता है वो 1,80,000 मिलता है, तो ये आ जाएगा आपका एक्चुअल रेंट। तो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख, फेयर रेंट 440, हायर और एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 320 जो आएगा वो एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। कंपेयर विद एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट 160, जो ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगी उन दोनों में जो हायर होगा तो 3,20,000 रुपीज़ आ जाएगी, और उसमें म्यूनिसिपल टैक्स क्योंकि 50% ओनर पेमेंट करता है तो 20,000 रुपीज़ म्यूनिसिपल टैक्स पेमेंट हो जाएगा, और जो ग्रोस एनुअल वैल्यू हाउस की जो सॉरी एनुअल वैल्यू हाउस की आ जाएगी वो 3 लाख कैलकुलेट होकर आएगी। क्लियर ये पॉइंट? इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं कि मोर देन वन हाउस है और वो ओनर के द्वारा ऑक्यूपाइड है, हाउस एक से ज्यादा है और वो सारे के सारे हाउस वो ये कहते हैं कि भी मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड में है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? वेयर ओनर ऑफ हाउस ऑक्यूपाइड मोर देन वन हाउस फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पज, मीन्स की खुद के रेजिडेंशियल पर्पज के लिए वो यूज हो रहे हैं फॉर द फुल ईयर, पूरे साल के लिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ओनर है ही कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन, वो एक ऑप्शन चूज कर सकता है क्या कि वो एक रेजिडेंशियल हाउस को अपने सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज में दिखा सकता है, सिर्फ एक हाउस को। अगर यदि एक से ज्यादा हाउस है तो उसमें एक हाउस उसके सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आएगा, तो इस बारे में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि कौन सा हाउस उसके सेल्फ रेजिडेंशियल यूज में माना जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे कि जिस हाउस की एनुअल वैल्यू ज्यादा आएगी वो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड में मानेगा, क्योंकि अगर यदि जिसकी वैल्यू एनुअल वैल्यू ज्यादा होगी उसको अगर यदि सेल्फ ऑक्यूपाइड में मानेगा तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कम आएगी। तो आप इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक हाउस इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड में आएगा और बाकी डीम्ड टू बी लेट आउट, जो खुद के सेल्फ ऑक्यूपाइड में आएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस विल बी नील। ठीक है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जो वैल्यूएशन है हम ये पॉइंट पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो जो उसकी वैल्यू आती है वो नील आती है। इसके बाद रिमेनिंग हाउसेस विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस, मीन्स उसने किराए पर तो नहीं दिए हैं लेकिन हम उसको ऐसा मानेंगे कि जैसे कि वो हाउस जो है वो लेट आउट कर रखे हैं, और जिस तरीके से हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करते हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में, सेम उसी तरीके से हम इस हाउस की वैल्यूएशन करेंगे। मीन्स कैसे कि इसमें आपको एक्चुअल रेंट नहीं मिलेगा, वैकेंसी नहीं मिलेगी, अनरियलाइज रेंट नहीं मिलेगा, ये तीनों चीज आपको नहीं मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड रेंट जो कैलकुलेट होगा वही उस मकान की ग्रोस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी जो उसको बेनिफिट्स मिलते थे जो रेंटेड हाउस के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे बेनिफिट मिलेंगे, मीन्स की 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी और जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन है वो सारा का सारा उसमें बेनिफिट मिलेगा। इसमें वो 30,000 and 2 lakh वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं होगी। कहीं हम इसमें ये सोचें कि ये जो मकान है वो सेल्फ रेजिडेंशियल यूज में आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप 30,000 and 2 lakh वाली कंडीशन इम्प्लीमेंट कर दें इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो यहाँ पर डीम्ड टू बी लेट आउट हो गया ना, तो ये वाली कंडीशन दोनों कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन जितना भी होगा वो उतना उसके लिए डिडक्शंस में अलाउड होगा। चलिए इलस्ट्रेशन से हम इसको कवर करते हैं। मिस्टर जेड हैं, वो दो हाउस के ओनर हैं और दोनों हाउस उसके रेजिडेंशियल यूज में आते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 1,80,000 और जो फेयर रेंट है 2,40,000 है। जो सेकेंड हाउस है उसकी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 4,80,000 एंड फेयर रेंट 3,40,000 है। तो यहाँ पर दोनों हाउस उसके सेल्फ रेजिडेंस में है, तो हमने एक मकान को सेल्फ रेजिडेंस में लेना है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस मकान की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड में मानेंगे। तो इन दोनों हाउसेज में हम देखते हैं तो सेकेंड हाउस की वैल्यू ज़्यादा है,
तो इसलिए हम इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड भी मानेंगे। और जो फर्स्ट हाउस है उसको हम डीम्ड टू बी लेट आउट मानेंगे, डीम्ड लेट आउट। ओके, इसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन है, जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो 10% है म्यूनिसिपल वैल्यू का। इसके अलावा जो हाउस के रिगार्डिंग जो एक्सपेंसेस है 10,000 है, ग्राउंड रेंट है वो 2,000 है, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 68,000 रुपीज, जिसमें 34,000 ईच है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये डिस्क्राइब किया है, 34,000 ईच हाउस। हमने जेड के लिए कैलकुलेशंस करना है कि कितनी इनकम उसके लिए टैक्सेबल हो गया हाउस प्रॉपर्टी में। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है आप उसमें चेक कर लीजिए कि क्या करेंगे, डिम्ड टू बी लेट आउट। तो उसमें हमने म्यूनिसिपल वैल्यू देखी थी तो 1,80,000 थी उस हाउस की, और जो फेयर रेंट था वो 2,40,000 था। तो इसमें एक्सपेक्टेड रेंट जो होगा वो इन दोनों में हायर वैल्यू होगी, वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा, तो 2,40,000 एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस होता है तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सपेक्टेड रेंट होता है वो उस मकान के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट 2,40,000 है, तो उस मकान के लिए जो ग्रोस एनुअल वैल्यू होगी वो 2,40,000 आ जाएगी। इसके बाद जो म्यूनिसिपल टैक्स है 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 1,80,000 है, इसका हम 10% करेंगे तो 18,000 जो आएगी वो म्यूनिसिपल टैक्स आ जाएगा, उसको हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, जो बैलेंस अमाउंट आ जाएगी वो एनुअल वैल्यू 2,22,000 रुपीज कैलकुलेट होकर आएगी। इसके बाद जो भी प्रोविजंस लेट आउट हाउस के लिए जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे डीम टू बी लेट आउट हाउस के लिए मिलेंगे। तो जो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू बेनिफिट मिलेगा, तो 2,22,000 का हम 30% कर देंगे तो 66,600 रुपीस स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन लोन तो हाफ हम कर देंगे, उसमें मैंने डिस्क्राइब भी कर रखा है अलग से, 68,000 टोटल लोन है उसमें 34,000 हम यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। सो ये टोटल होकर आएगा 1,00,600 रुपीस, और जो इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस आ जाएगा 1,21,400 रुपीज, ये इनकम कैलकुलेट होकर हमारी ये आ जाती है। इसके बाद हम जो सेकंड हाउस है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, वो हमने डीम्ड टू बी लेट आउट लिया है। सबसे पहले एनुअल वैल्यू नील आ जाएगी, म्यूनिसिपल टैक्स नील आ जाएगा, एनुअल वैल्यू इसमें नील आ जाएगी, और जो लोन की डिडक्शन है वो इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन की, जो 30,000 आ जाएगी। आप पीछे क्वेश्चन में देखिए मैंने लिख रखा है कि जो लोन लिया है वो रिपेयर के लिए लिया गया है, हमने जो लोन हमने लिया है वो रिपेयर के लिए लिया है, यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये जो लोन लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमने 30,000 लेस किए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 34,000 लेस किए हैं, ये इसीलिए ये आपको पॉइंट एक्सप्लेन किया मैंने कि आप कहीं यहाँ पर भी 30,000 न ले लें, क्योंकि ये डीम्ड टू बी लेट आउट हो गया, तो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशन में इंटरेस्ट की जो मैक्सिमम लिमिट है उसकी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड की कंडीशन में 30,000 एंड 2,00,000 रुपये। तो ये रिपेयर के लिए था ये लोन, तो इसलिए हमने इसमें 30,000 रुपीज डिडक्ट कर दिया, और ये लॉस फ्रॉम सेकेंड हाउस आ जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो इसको हम फर्स्ट हाउस की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे। तो अगर इसको फर्स्ट हाउस में से डिडक्ट करोगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 91,400 रुपीज, और ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाएगी। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस वीडियो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हो, और ये लेसन कैसा लगा आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।